गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पी ब्लॉक के फिफ्थ लेक्चर में हम अमोनिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जहां तक एटमॉस्फेयर में क्वांटिटी की बात है, वो काफी कम क्वांटिटी में हमें अमोनिया एयर में मिलती है, और जितने भी आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन है, चाहे वो यूरिया से हो या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, वो अमोनिया के थ्रू ही होती है। जैसे जो हम यूज करते हैं यूरिया यूज करते हैं, वो एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसमें पानी देते हैं, इरिगेशन करते हैं उसकी, उससे क्या बनता है हमारे पास, अमोनियम कार्बोनेट। और अमोनियम कार्बोनेट डीकंपोज होकर हमें देता है अमोनिया प्लस CO2 और प्लस H2। तो ये अमोनिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जाती है। ओके, उसकी प्रिपरेशन है कि अमोनिया अगर प्रिपेयर करनी हो तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो अमोनियम साल्ट है उनको स्ट्रोंग बेस के साथ हीट करके, अमोनियम साल्ट का मीनिंग क्या है हमारे पास, मैं अमोनियम सल्फेट की बात कर लेता हूं। इसको क्या करता हूं मैं, स्ट्रोंग बेस के साथ हीट करता हूं, जिससे मेरे को मिलता है अमोनिया वाटर प्लस Na2SO4। ओके, सोडियम सल्फेट मिलता है साथ में और अमोनिया मेरे को मिलती है, ठीक है। और अगर लैब की अगर बात मैं करता हूं, जो सबसे आसान तरीका है मेरे पास है, अमोनियम क्लोराइड को मैं स्लेक लाइम के साथ हीट कर देता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो मेरे को अमोनिया मिल जाती है, और साइड प्रोडक्ट जो है वो मिलता है मेरे को मेनली CaCl2। ये मिलता है मेरे को। ओके, इसी के साथ में और अगर मेथड्स की बात करूं मैं, तो नाइट्राइड्स मैंने पढ़े थे, नाइट्राइड्स के ऊपर वाटर के एक्शन के साथ में जो मेटल नाइट्राइड पढ़े थे, मैग्नीशियम नाइट्राइड पढ़ा था मैंने, Mg3N2 पढ़ा था, इसी तरह एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN था मेरे पास। ओके, अगर इनको मैं क्या करता हूं, वाटर के से ट्रीट करता हूं, तो मेरे पास बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस साथ में अमोनिया। इसी तरह से अगर एल्यूमिनियम नाइट्राइड की बात करूं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा मेरे पास, और प्लस साथ में रिक्वायर्ड प्रोडक्ट वो क्या मेरे पास है, अमोनिया है। ओके, तो ये अमोनिया बन जाती है मेरे पास। ओके, उसके बाद जो अमोनिया बनती है मोस्टली अगर देखते हो तो वाटर में डिजोल्व स्टेट में मिलती है। अगर मैं इसको ड्राई करना चाहता हूं, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है मेरे पास, क्योंकि मेनली मैं इसको स्टोर जब मैं करता हूं तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में स्टोर करता हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। ओके, तो कैसे मैं इसको ड्राई कर सकता हूं, ड्राई का मीन्स वाटर कैसे रिमूव कर सकता हूं इसमें से, तो उसके लिए जो अमोनिया मेरे पास है उसको H2SO4 करता हूं मैं, यहां से बनता है अमोनियम सल्फेट मेरे पास, ठीक है। तो ये वाटर उसमें से रिमूव हो जाए, वाटर अलग हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट अलग हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगर अमोनिया को ड्राई करना चाहूं तो मेरे पास और मैथ के CaCl2 है मेरे पास, कैल्शियम क्लोराइड से को यूज कर सकता हूं। ओके, और उसके बाद फोस्फोरस पेंटोक्साइड है P2O5, उसका यूज कर सकता हूं मैं। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, ड्राइंग एजेंट है जिनसे मैं अमोनिया को ड्राई कर सकता हूं। ओके, अब ये होते मेरे पास सिंथेसिस, मतलब कम क्वालिटी में अगर प्रिपेयर करना है मेरे को, अगर मान लो मेरे को प्रिपेयर मैन्युफैक्चर करना है इसका। ओके, मैन्युफैक्चर इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, अगर मैं ये करना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस मेरे पास कौन सा है, हैबर्स प्रोसेस। पहले हम इसको ब्रीफ में बातें कर चुके हैं इसके बारे में, बट आज जो है क्योंकि अमोनिया सिंथेसिस करना है हमने हैबर प्रोसेस से, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो कमर्शियली हैबर प्रोसेस को यूज किया जाता है, इसकी इक्वेशन जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या है, N2+3H2, ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है,
और इससे बनता मेरे पास 2NH3 अमोनिया बनता है, और इसके लिए जो डेल्टा एच नोट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज -92.4 किलो जूल पर मोल। ओके, और इसके अंदर मैं आयरन मोलिब्डेनम को यूज करता हूं, आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करता हूं और मोलिब्डेनम को एज ए प्रोमोटर यूज करता हूं। ये मेरे पास बेसिक इक्वेशन है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम का साइन बीच में है, तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है कि रिएक्शन इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। मैं चाहता हूं मेरे को मैक्सिमम अमोनिया मिले, तो मैं रिएक्शन कंडीशंस को ऐसे सेट करूंगा जिससे क्या हो मेरे पास कि इक्विलिब्रियम मोस्टली शिफ्ट हो किस तरफ, राइट हैंड साइड या प्रोडक्ट की तरफ। ओके, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसलिए टेम्परेचर भी मैं बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता। और थर्ड थिंग मैंने क्या ध्यान रखना है, यहां 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम मेरे पास है हाइड्रोजन, तो 1+3 टोटल 4 वॉल्यूम इधर है 1 और 3, और इधर 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बन रहा है, इट मींस वॉल्यूम के डिक्रीज के साथ जा रही है। ओके, तो मैं इससे क्या करूंगा, इसे लीच एटियर प्रिंसिपल के थ्रू मैं मोस्ट ऑप्टिमम या फेवरेबल कंडीशंस को पता कर लूंगा और उससे मैं अमोनिया को बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो फर्स्ट जो कंडीशन मेरे पास है जो ऑप्टिमम के लिए बात मैं करता हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर, फर्स्ट ऑप्टिमम कंडीशन इधर से डिवाइस करूंगा मैं। ओके, तो लो टेम्परेचर हमेशा मेरे को पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लो टेम्परेचर प्रोडक्ट को या अमोनिया की फॉर्मेशन को फेवर करता है। ओके, बट अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो में कर दूंगा तो उससे क्या होगा कि रिएक्शन की रेट काफी स्लो हो जाएगी। ओके, और इसके साथ ही जब ऑप्टिमम टेम्परेचर डिसाइड किया गया लोवेस्ट में, जितना लोवेस्ट ऑप्टिमम हो सकता है दैट इज नियरली 700 केल्विन। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूं किसके लिए, हाई प्रेशर के लिए। क्योंकि मेरे को पता है कि यहां मेरे पास क्या है, 1+3 आपके पास 4 रिएक्टेंट है, 4 वॉल्यूम रिएक्टेंट के हैं, 2 वॉल्यूम प्रोडक्ट के हैं। ओके, तो जिस तरह से मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट जितना एक दूसरे के क्लोज आएंगे उतनी जल्दी रिएक्ट करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको लाने के लिए हाई प्रेशर करूंगा। हाई प्रेशर होने में क्या होगा कि जितना हाई प्रेशर मैं करूंगा उस तरह से ली चेटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हाई प्रेशर का इफेक्ट नलिफाई कैसे होगा, क्योंकि जब रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 वॉल्यूम है, इधर मेरे पास 4 वॉल्यूम है। ओके, और जनरली जो रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं हम दैट इज एट 200 एटमोस्फेयर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास। थर्ड मैं बात करता हूं कैटलिस्ट के लिए। कैटलिस्ट में जो आपके पास, क्योंकि 700 केल्विन के आसपास रिएक्शन का रेट जो है वो ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होता, तो उसको हम रेट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं। ओके, और कैटलिस्ट जो होता है मोस्टली आयरन का ऑक्साइड होता है, जो मैं आयरन बोल रहा था आयरन ऑक्साइड यूज होता है। ओके, और विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3। ओके, और साथ में बहुत बार मोलिब्डेनम को एज ए प्रोमोटर यूज किया जाता है। ओके, तो ये आपके पास ऑप्टिमम कंडीशंस है। अब कैसे अमोनिया बनती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कि जो आपके पास फ्लो चार्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया के लिए, ये मेरे पास हैबर्स प्रोसेस के लिए फ्लो चार्ट है। यहां क्या करता हूं मैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मिक्सअप करता हूं। ओके, 1:3 रेशो के अंदर। उसके बाद क्या होगा, इसको मैं
20 मेगा पास्कल या 200 एटमोस्फेयर तक कंप्रेस करता हूं ताकि प्रेशर इंक्रीज हो सके, ओके, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन आसान हो सके। उसके बाद मैं आगे इसको पास करता हूं कैटलिटिक चैम्बर के अंदर एट 700 केल्विन, जिसके अंदर मेरा कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड होगा, साथ में Al2O3 K2O होगा और मोलिब्डेनम को एज ए प्रोमोटर यूज करता हूं मैं। तो यहां क्या होगा आपके पास, जिधर ये यहां 700 केल्विन के ऊपर 200 एटमोस्फेयर के ऊपर यहां N2+H2O3 अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी, और इतने हाई प्रेशर के ऊपर मैं आगे पास करता हूं कूलिंग चैम्बर में, और कूलिंग चैम्बर से क्या होगा, कूलिंग होगी और जो गैस है आपकी वो लिक्विफाई होके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो, अमोनियम पहले ही कन्वर्ट हो चुकी है, लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड अमोनिया इजिली लिक्विफिएबल है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो लगभग ये अज्यूम किया जाता है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया इसकी कन्वर्जन की एफिशिएंसी नियरली 30% है। तो 30% अमोनिया कन्वर्ट होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो 60-70% इसके अंदर मिक्स हैं, वो क्या करेंगी दोबारा गैसियस, क्यों गैसियस स्टेट में ये हो तो लिक्विफाई होंगी नहीं, तो यहां से क्या होगा दोबारा पहुंच जाएंगी पंप तक, ओके 70% तक नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दोबारा पंप से कहां पहुंचेंगी दोबारा कैटलिटिक चैम्बर में, और साथ में जो क्योंकि देखो पहले क्या था 100% नाइट्रोजन हाइड्रोजन थी, अब क्या हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन 70% तो इधर से आ जाएंगी और 30% यहां से उसको रिप्लेनिश करके दोबारा उतना ही अमाउंट बना के दोबारा फिर कैटलिटिक चैम्बर में सेंड कर दिया जाएगा। इस तरह क्या होगा बार बार साइकिल चलती रहेगी, और ये साइकिल जिस चलती रहेगी उस तरह हमारा अमोनिया लिक्विफाइड अमोनिया जो है लिक्विड अमोनिया जो है वो आपके पास यहां आपको मिलता रहेगा, ओके। तो इस तरह से मैं अमोनिया को मैन्युफैक्चर कर सकता हूं बाय हैबर्ज प्रोसेस। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए बात करेंगे, ओके। तो अमोनिया जो है वो एक कलरलेस गैस है, कोई कलर इसका हमें अपीयर नहीं होता, ओके, और पंजेंट स्मेलिंग है, ओके, अमोनिकल स्मेल होती है और आंखों से आंसू स्टार्ट हो जाते हैं इससे, ओके, लाइटर देन एयर, वॉटर में काफी सोल्यूबल है, और इसको हम जैसे हमने एबर प्रोसेस में पढ़ा है लिक्विफाई कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो लिक्विफाई कर सकते हैं, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया तो हम कर चुके हैं, अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया में हम पहले भी कर चुके हैं, पिरामिडल शेप होती है इसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये हम कर चुके हैं पहले, ओके, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसको। उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, जो फर्स्ट आता है इसमें वो बेसिक कैरेक्टर, हमें पता है कि अमोनिया के ऊपर लोन पेयर होता है, ओके, लोन पेयर होता है तो ये इस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, डोनेट करने से क्या होगा कि ये बेसिक इन कैरेक्टर होगा, और उसी को प्रूव करने के लिए हम बात करते हैं कि अमोनिया प्लस वॉटर, वॉटर में जाके इसने क्या किया भाई NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, अगर वॉटर के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कोई भी कंपाउंड OH नेगेटिव रिलीज करता है तो उसके इसमें वो बेसिक इन नेचर होता है, ओके। और बेस क्या होता है, बेस रिएक्ट करता है किसके साथ में, एसिड के साथ में, तो अगर अमोनिया की बात करूं मैं तो उसको क्या करूंगा एसिड से रिएक्ट करवा दूंगा, तो अमोनिया यहां से बन जाएगा NH4Cl, ओके, तो ये क्या हो गया जो बेस है वो एसिड से रिएक्ट करता है, इसका हमें एसिड का पता ही है तो ये ऑटोमेटिकली बेस हो गया, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद हैवी मेटल साल्ट सॉल्यूशंस, हैवी मेटल साल्ट सॉल्यूशन, ओके। तो अमोनिया जो हमें मिलती है वो मिलती है किस फॉर्म में,
NH4OH की फॉर्म में मिलती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। तो हैवी मेटल FeCl3 ले लेता हूं मैं, इसमें एक्वा सॉल्यूशन लूंगा फेरिक क्लोराइड का। ओके, तो यहां से Fe और OH, FeOH का होल थ्राइस, ब्राउन पीपीटी होते हैं इसके, और साथ में अमोनियम क्लोराइड जो सोल्यूबल होता है वो निकल जाता है। ओके, तो हैवी मेटल साल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ये प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स के। ओके, उसके बाद जो है थर्ड, लेविस बेस की तरह एक्ट करते हैं। अगर मैं अमोनिया और BF3 लेविस बेस, लेविस एसिड लेविस बेस से रिएक्ट करता है, लेविस एसिड है पता है हमें ये। ओके, तो यहां से क्या बनता है NH3, इसने कोऑर्डिनेट किया किसको, BF3 को, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ओके, और इसी तरह से अगर मान लो मैं मेटल के आयंस के साथ में रिएक्ट करवाता हूं अमोनिया को, तो उससे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है AgNH3 का होल ट्वाइस, की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है 1+ चार्ज एज इट इज। ओके, इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, तो अमोनिया एज ए लीगेंड काम कर रहा है, मींस वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है किसको, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर। और मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर अगर डोनेट करेगा, इट मींस वो क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है ऑक्सीडेशन, कि अगर अमोनिया की मैं ऑक्सीडेशन कर दूं तो उससे क्या बनता है। तो ऑक्सीडेशन में डिफरेंट टाइप से कर सकता हूं। अगर मान लो मैं करता हूं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर बोलता हूं जिसको मैं, तो वहां से मेरे को क्या मिलता है, नाइट्रोजन CaCl2+ वाटर मिलता है। ओके, और अगर यही ऑक्सीडेशन मैं कर दूं ब्रोमीन से, तो डाइनाइट्रोजन गैस फिर से मिलती है और अमोनियम ब्रोमाइड मिलता है मेरे को। ओके, और अगर इसी की ऑक्सीडेशन, अमोनिया की ऑक्सीडेशन पहले रिएक्शन कर चुका हूं मैं ऑक्सीजन से, इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या रोडियम गोज के ऊपर 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 bar प्रेशर अगर इस पे करता हूं, तो मेरे को मिलता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, अलग अलग टाइप के ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ में मेरे को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो रिएक्शन है, इससे मैं क्या करता हूं, नाइट्रिक एसिड बनाता हूं। तो ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो होता है किसके लिए, नाइट्रिक एसिड प्रोसेस के लिए, नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर के लिए, उसका एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट आता है हैलोजन्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका, क्योंकि देखो हमने बेसिक रिएक्शन क्या करनी है, बेसिक रिएक्शन ये करनी है NH3+X2। अगर ये बेसिक रिएक्शन हमने करनी है तो इसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं अलग अलग कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। जैसे अगर ये एक्सेस में होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और ये एक्सेस में होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। ओके, अगर मैं अमोनिया के एक्सेस की बात करता हूं, और इस एक्सेस अमोनिया में मैं रिएक्ट करवाता हूं इसको क्लोरीन के साथ, तो मेरा बनता है NH4Cl+N2। ओके, और अगर मैं यही एक्सेस Cl2 में रिएक्शन करूं NH3+ Cl2, यहां से मेरे को मिलेगा NCl3+3HCl। ओके, मींस अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं मेरे को। ओके, उसके बाद रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन हम कर चुके हैं अमोनिया प्लस CO2 एट 473 केल्विन एंड 220 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो यहां से क्या बनता है मेरे पास, NH2CO
ओ एन एच फोर, ये मेरे पास अमोनियम कार्बामेट। ओके, अमोनियम कार्बोनेट जो मेट जो है वो स्टेबल नहीं होता। अगर मैं इसको थोड़ा सा हीट कर दूं तो क्या बनता है मेरे पास, यूरिया, NH2CO NH2, क्या बन जाता है मेरे पास, यूरिया बन जाता है। ओके, और यूरिया के अंदर पता है आपको नियरली 45-50% तक नाइट्रोजन कॉन्टेंट होता है, इसको एज ए फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है विथ मेटल्स। अगर मैं अमोनिया को मेटल्स के साथ रिएक्ट करवा दूं तो क्या होगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो यहां से मेरे को पता है NaNH2 सोडामाइट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ओके, इसके बाद मेरे पास एक्शन विद नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट जो होता है आपके पास वो होता है K2HgI4। ओके, इसका एल्कलाइन सॉल्यूशन। ओके, तो उसके साथ K2HgI4 इसको ट्रीट करते हैं अमोनिया के साथ, और जैसा कि पता है हमें इसका एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है तो साथ में मैं रखता हूं कोई ना कोई बेस। ओके, तो इससे क्या बनता है हमारे पास, दैट इज NH2HgOHgI प्लस KI और प्लस वॉटर। ये जो आपके पास है दिस इज आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, और इसके ब्राउन पीपीटी होते हैं। इसके बाद हमारा रिएक्शन विद सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl। ओके, तो ये एक रिएजेंट NaOCl आपको पता होगा कि आजकल जो कोरोना के टाइम में सैनिटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है वो इस सोडियम हाइपोक्लोराइट के थ्रू ही चल रहा है, जबकि सराउंडिंग में सैनिटाइजेशन या आपकी कॉलोनीज की सैनिटाइजेशन हो रही है वो दिस ये सोडियम हाइपोक्लोराइट ही यूज हो रहा है उसके अंदर। ओके, जब लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया यूज करते हैं हम इसके लिए और उसको ट्रीट करते हैं हम किसके साथ में, सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ में, और ग्लू या जिलेटिन की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, हाइड्राजीन में, NH2NH2, साथ में सोल्ट प्लस वाटर बनता है। ओके, तो सोडियम हाइड्रो जो हाइपोक्लोराइड है दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस सरफेस के ऊपर लाई करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मींस जो आपके जर्म्स वगैरह है उन सबको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके, गवर्नमेंट ने इसी को ऑथोराइज किया है सैनिटाइजेशन के लिए। नेक्स्ट मेरे पास है लिक्विड अमोनिया एज ए सोलवेंट। ये लिक्विड अमोनिया जो है वो एक इक्विलिब्रियम में रहती है, वो कैसे रहती है कि एसिड प्लस बेस। ओके, तो ये आपके पास एक इनमें दोनों में से एक NH3 जो है वो एक एच प्लस को एब्जॉर्ब करती है, एक को रिलीज करती है। ओके, तो ये नॉन एक्वस सोलवेंट्स की तरह काम करती है, और इसी कारण जो है द लिक्विड अमोनिया इज यूज फॉर डिजोल्विंग मेनी पोलर कंपाउंड्स जिसमें वॉटर में यूज नहीं करना चाहता। ओके, और मैं पोलर सोलवेंट में रिएक्शन करना चाहता हूं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है यूजेस, क्या क्या यूजेस हैं इसके। यूरिया थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट हो गया आपका, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, ये सब चीजें फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स में इसका यूज होता है। ओके, इसका जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ओस्टवाल्ड प्रोसेस,
में यूज होता है किस चीज के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए, जिससे हम फर्दर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ओके, उसके बाद जो है आपका रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है आइस फैक्ट्रीज वगैरह में, ग्रीस को रिमूव करने के लिए यूज होता है क्लींजिंग एजेंट, और लैब रिएजेंट तो हर केमिकल है ही, हमें पता है लैब और इंडस्ट्री के अंदर तो हर रिएजेंट यूज हो रहा है। ओके, उसके बाद अमोनिया के लिए टेस्ट भी हैं कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है, टर्मिक पेपर को ब्राउन कर देती है। ओके, जो नेस्लर रिएजेंट अभी थोड़ी देर पहले किया, इस पे ब्राउन पीपीटी हमें दे देती है। ओके, तो इस तरह के टेस्ट भी हैं उसके लिए। तो ये आपके पास कंप्लीट है अमोनिया। अमोनिया के बारे में इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जैसा कि हमें पता है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाती है, और उसके ऑक्साइड्स के बारे में ब्रीफ डिस्कशन हमारी हुई भी है। ओके, तो हम थोड़ा ब्रीफ पढ़ेंगे इसको, ज्यादा सिलेबस में है तो सिलेबस में, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ओके, पता होना चाहिए बस हमें। फर्स्ट जो बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं मैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में। ओके, इसको लाफिंग गैस भी बोलता हूं मैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, पता है मेरे को। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन करूंगा इसके बारे में। अमोनियम नाइट्रेट मैं करता हूं, इसको हीट कर देता हूं 473 to 533 केल्विन के बीच, तो मेरे को मिलता है N2O+H2O। ओके, एक कलरलेस गैस है, न्यूट्रल गैस है, स्वीट ऑर्डर में है, हमें अगर स्मेल करते हैं तो अच्छी लगती है ये। ओके, और इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अगर इसी को मैं ट्रीट करूं, व्हेन N2 इज ट्रीटेड विद सोडा अमाइड NaNH2, यहां से मेरे को सोडियम एजाइड मिलता है। ओके, और अगर इसी गैस को मैं हीट कर दूं एट टेम्परेचर 873 केल्विन, तो डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन गैस मेरे को मिलती है। ओके, तो ये मेरे पास है लाफिंग गैस, हंसते रहते हैं इसको स्मेल करके। उसके बाद है मेरे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, और प्रिपेयर करने के लिए मैं क्या करता हूं, सोडियम नाइट्राइड को ट्रीट करता हूं फेरस सल्फेट से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहां से मेरे को मिलता है Fe2SO4 का होल थ्राइस, ऑक्सीडाइज हो गया, साथ में NaHSO4 प्लस साथ में NO और प्लस साथ में H2O। ओके, सेम कलरलेस और न्यूट्रल गैस है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि N2O और NO दोनों दो ही केवल न्यूट्रल हैं। ओके, और काफी रिएक्टिव होती है, क्योंकि जो NO है, NO का अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो N डबल बॉन्ड O कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक ओड इलेक्ट्रॉन मिलता है आपको, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है NO। ओके, और इसी कारण को NO क्या करता है, NO बड़ी जल्दी O2 से रिएक्ट कर जाता है और NO2 बना लेता है। अगर NO को दूसरा कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट मिल गया एन, तो NOCl बना लेता है। ओके, तो इस तरह से जो है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, और वो ओड इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। ओके, ये मेरे पास है, थोड़ा नीचे रहे, ये आपके पास ये ओड इलेक्ट्रॉन है, और ये बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है किसके साथ में, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में।
इसके बाद हमारे पास डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसको नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड भी बोला जाता है, क्योंकि नाइट्रस एसिड से जब वाटर निकल जाता है तो डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड मिलता है। नाइट्रोजन सिस क्विकसाइड भी बोलते हैं इसको। प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करो तो NO जो मेरे पास पड़ा था ये वाला, क्योंकि काफी अनस्टेबल बात हुई थी अभी हमारी, जब वो रिएक्ट करता है N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड के साथ में एट लेस देन 250 केल्विन तो हमारे पास N2O3 बनता है। और ये N2O3 आपके पास ब्लू लिक्विड या सॉलिड होता है और एसिडिक इन नेचर होता है। N2O3 को अगर वाटर से ट्रीट करते हैं हम तो वो दोबारा HNO2 बना लेता है, क्योंकि अभी हमारी बात हुई थी कि इससे अगर वाटर निकल जाएगा तो हमारे पास डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, एनहाइड्रस बोला था हमने इसको। और जो N2O3 है अगर इसको ग्रेटर देन 250 केल्विन ले जाएं हम तो यहां से NO प्लस NO2 बन जाता है। तो ये आपके पास है डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसके बाद फोर्थ की अगर बात करते हैं, बात करते हैं NO2 या N2O4, बात एक ही है, वो डाइमर रहता है उसका। और ये इसको बोला जाता है मिक्स एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3। प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। NO2 से बनता है, NO2 से इक्विलिब्रियम अगर कोल्ड कर देंगे तो मेरे पास N2O4 बन जाएगा, अगर हीट कर देंगे तो NO2 की फॉर्म में रहता है। और जैसे कि एनहाइड्राइड की बात हुई है, अगर इसको मैं ट्रीट करता हूं N2O4, इसको ट्रीट करता हूं वाटर के साथ में तो मेरे को मिलता है HNO2 प्लस HNO3, ये मिलता है मेरे को। और लास्ट ऑक्साइड जो मेरे पास है वो है डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड। प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड है मेरे पास ही। HNO3 प्लस P4O10, यहां से मिलता है मेरे को HPO3 प्लस N2O5, डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड मिल जाता है मेरे को। ये कलरलेस सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बिलो 273 केल्विन, कलरलेस सॉलिड, और इस टेम्परेचर के ऊपर जो है डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है NO2 प्लस NO प्लस O2 में। उसके अलावा बात हुई थी N2O5 जो एसिडिक की नेचर है, अगर मैं इसको N2O5 को वाटर में मिक्स करूं तो यहां से HNO3 बन जाता है। तो ये मेरे पास है ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और बेसिक फीचर्स, ब्रीफ मैं बात कर रहा हूं उस बारे में। अब मैं बात कर रहा हूं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर का पार्ट कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम। पहले मेरे पास है N2O, N2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये हो गया मेरे पास। यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन ने टू बॉन्ड्स बनाए हुए कोवलेंट, तो कोवलेंसी से कम है तो नेगेटिव। और कोवलेंसी से ज्यादा अगर है तो पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका भाई, ये इधर मूव करता है और ये इधर मूव कर जाता है, तो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं इसके लिए, एन ट्रिपल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड ओ, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। लीनियर मॉलिक्यूल होता है,
और नियरली 0.17 डायोप्टर इसका डीपाई, सॉरी नो डायोप्टर, डायोप्टर तो इंट होती है फोक, जो आपके पास स्पेक्स का नंबर होता है उसकी यूनिट होती है वो, तो टेस्ला के बारे में बात है डी बाय। नेक्स्ट आता मेरे पास एनओ, एन डबल बॉन्ड ओ, ये होता है मेरे पास, ये ओड इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण काफी रिएक्टिव होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, ये यहां से यहां, और ये तो आगे मूव नहीं करेगा, तो बनना है मेरे पास क्या बनेगा, एन ट्रिपल बॉन्ड ओ, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेशन डाल दिया है। ओके, और जो ओड इलेक्ट्रॉन होगा वो एज इट इज रहेगा आपके पास। ओके, तो ये आपके पास क्या है, एनओ। डाइमर नाइट्रिक ऑक्साइड का डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर एक ये जो आपके पास है ओड इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा वो। ओके, तो उस केस में डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और डाइमर लगभग ऐसे होता है हमारा, ओके पैरामैग्नेटिक होता है, पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आता है N2O3, N2O3, N N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और जो एक आपका लोन पेयर था उसके साथ क्या बना, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, एसिमेट्रिक होता है ये, ठीक है, टू डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास NO2 या N2O4 बोलता हूं जिसको मैं, वो डाइमर की फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करेगा तो N2O4 की बात करेंगे हम, NO डबल बॉन्ड O, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, यहां पॉजिटिव होता है यहां नेगेटिव होता है। ओके, रेजोनेंस में अगर बात करेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहां 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे N, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर चुका है, ओ नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड ओ क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। ओके, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और डाई मराइज करके ये N2O4 बना लेता है, और N2O4 के स्ट्रक्चर की अगर बात करूंगा मैं, तो N2O4 का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें तो सिंपली जो आपका N2O3 का स्ट्रक्चर था उसी तरह का बनेगा, ये कोऑर्डिनेट हो गया और ये कोऑर्डिनेट यहां हो गया, वो तो सेम बन जाएगा उसी तरह से, ठीक है। और लास्ट जो आता है मेरे पास वो आता है N2O5, इसके बीच में एक नाइट्रो ऑक्सीजन और इंसर्ट हो जाएगी, एन एन थोड़ा डिस्टेंट रख देते हैं, और स्ट्रक्चर सेम होगा लगभग, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। ओके, बस फर्क इतना होता है बीच में एक नाइट्रोज ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है। ओके, सॉलिड N2O5 जो होता है वो एग्जिस्ट करता है NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव की फॉर्म में, इसलिए इसको नाइट्रोनियम नाइट्रेट भी बोलते हैं। ओके, तो ये था आपके क्या चीज, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।